एलपीजी सिलेंडर्स को लेकर सबसे बड़ी परेशानी जो ग्राहकों को रहती थी वो दो मोर्चों पर रहती थी। पहली, उनका भारी भरकम वजन, और दूसरा, एक्सप्लोजन होने की आशंका हमेशा बने रहना। इसी को लेकर हमेशा से ट्रांसपेरेंट सिलेंडर्स की बात होती रही कि ट्रांसपेरेंट सिलेंडर्स आएंगे जो एक्सप्लोजन प्रूफ होंगे और उसके अलावा वजन में बेहद हल्के भी होंगे। अब लेकिन ये जो बातें होती थी ये वाकई में हकीकत में तब्दील होने जा रही हैं। एबीपी न्यूज़ आपको पहली बार दिखा रहा है टेलीविज़न पर ट्रांसपेरेंट सिलेंडर्स, जो बहुत जल्द आपकी और हमारी रसोई तक पहुंचने वाले हैं। जी हाँ, देश में 5,000 एलपीजी सिलेंडर्स जो हैं ट्रांसपेरेंट एलपीजी सिलेंडर्स, उनको लेकर एचपीसीएल ने टेंडर किया था और अब वो सिलेंडर्स बनकर तैयार हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है, वरिष्ठ अधिकारियों का, कि संभवतः जून तक या उससे भी पहले ये जो सिलेंडर्स हैं ये बाज़ार में दस्तक दे देंगे। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर दो शहरों में, पुणे और अहमदाबाद से शुरुआत की जा रही है। और शुरुआत में जो ये सिलेंडर्स हैं इसमें तीन वेट कैटेगरी में जो है सिलेंडर्स बनवाए गए हैं। पहली है 2 किलो की, दूसरी है 5 किलो की, और तीसरी है 10 किलो की। अगर इन सिलेंडर्स की बात करें तो आप ये देख सकते हैं कि 2 किलो का ये सिलेंडर है जो एचपी गैस ने बनाकर तैयार किया है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने बनाकर तैयार किया है। उसके बाद में ये है 5 किलो वाला सिलेंडर, और आप इनकी सबसे बड़ी खासियत देख सकते हैं कि रंग बिरंगे, बेहद आकर्षक। लेकिन सबसे बड़ी खासियत इनकी कि ये एक्सप्लोजन प्रूफ हैं। ये जो मटेरियल देख रहे हैं आप, ये बेसिकली विनाइल है जो कि एक्सप्लोजन प्रूफ मटेरियल है। इसके अलावा ये ट्रांसल्यूसेंट हैं, यानी कि काफ़ी हद तक जब इन सिलेंडर्स में गैस भरी हुई होगी तो आपको साफ तौर पर यहाँ पर गैस नज़र आ सकेगी। तो जो गैस चोरी की जो आशंका हमेशा से रहती थी एलपीजी के सिलेंडर्स को लेकर, वो भी अब दूर होने जा रही है। इसके अलावा भी इन सिलेंडर्स के काफ़ी फ़ायदे हैं। मसलन लाइट वेट हैं, आप देख सकते हैं कि ये 10 किलो वाला सिलेंडर है, आसानी से उठाया जा सकता है, और अक्सर महिलाएं ही सिलेंडरों का इस्तेमाल करती हैं, तो ऐसे में निश्चित तौर पर उनको फ़ायदा होगा। इसके अलावा ईजीली पोर्टेबल हैं, इनको आसानी से लेके जाया जा सकता है। खासकर अगर बड़ी बिल्डिंगों की बात करें, ऊँची बिल्डिंगों की बात करें, जहाँ पर नंबर ऑफ़ फ्लैट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पर कोरोजन प्रूफ हैं, यानी कि जंग लगने की कोई आशंका इनमें नहीं है। एक्सप्लोजन प्रूफ इनकी सबसे बड़ी खासियत है, यूवी प्रोटेक्टेड है। अब लेकिन अगर आखिर में हम बात करें कीमत की, कि आखिर ग्राहकों को इसकी कीमत कितनी देनी होगी इन ट्रांसपेरेंट सिलेंडर्स के लिए, तो अभी आमतौर पर जो 14.2 किलो का सिलेंडर मिलता है उसके लिए लगभग 1400 रुपये का जो है रकम ग्राहकों को देनी होती है, वो रिफंडेबल होती है। अब अगर ग्राहक इन सिलेंडरों को लेते हैं तो पुराना सिलेंडर आपको देना होगा, और उसके अलावा तकरीबन 1000 रुपये के आसपास आपको देने होंगे। यानी कि इन सिलेंडर्स की जो कीमत है वो तकरीबन 2400 से 2500 रुपये के आसपास बैठने की उम्मीद है। ऐसे में अगर आप अपना पुराना सिलेंडर देकर ये ट्रांसपेरेंट जो नए सिलेंडर्स हैं, रंग बिरंगे और सबसे बड़ी खासियत एक्सप्लोजन प्रूफ सिलेंडर्स, तो इनको ले सकते हैं। पुराना सिलेंडर देंगे, 1000 रुपये के आसपास अपने डिस्ट्रीब्यूटर को देंगे, आपको नया सिलेंडर मिल जाएगा। शुरुआत में अहमदाबाद और पुणे से शुरुआत हो रही है। 5000 सिलेंडर्स का इनिशियल टेंडर था एचपीसीएल का। इसके बाद में फेज्ड मैनर में पूरे देश भर में ये इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। और जो मंत्रालय के सूत्रों का कहना है, अधिकारियों का कहना है, कि अगले 1 से 1.5 साल में कोशिश की जाएगी कि तमाम जो पुराने सिलेंडर्स हैं उनको रिप्लेस कर दिया जाए और उनकी जगह पर ये रंग बिरंगे, हल्के और एक्सप्लोजन प्रूफ ट्रांसपेरेंट सिलेंडर्स ले लें।